सर मैंने ऐसे काफी लोगों से सुना है, जो लोग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स पे होते हैं वो लोगों को ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, तो क्या ये सही है? मुझे पता है कि आप में से भी बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन होगा, तो इसका मैं आंसर दे देता हूँ। जो लोग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं और वैसा इंसान अगर दूसरे किसी को ब्लड डोनेट करता है, तो जिसको ब्लड डोनेट किया गया है उसके ब्लड में एक कंडीशन हो जाती है जिसे कहा जाता है एरिथ्रोसाइटोसिस। इसका मतलब हाई आरबीसी काउंट। अब ऐसा होने से उस इंसान की ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है। ब्लड की विस्कोसिटी मतलब थिकनेस और स्टिकीनेस बढ़ जाती है। अब इसके वजह से उस आदमी को हार्ट अटैक आ सकता है। हमेशा याद रखिए, आप अगर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के ऊपर होंगे तो आप दूसरों को ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। जब आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड बंद कर देंगे कंप्लीटली, और वो भी लगभग 3 से 6 महीने के बाद, आप ब्लड डोनेट कर सकते हो जहां पर आपका नेचुरल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप मुझे फॉलो करिए और आपके सारे क्वेरीज का आंसर मैं आपको दूंगा।